नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 सितंबर 2022 के संपूर्ण राशिफल के बारे में। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों, हमारा जीवन कितना समृद्ध है या सिर्फ हमारी संपत्ति, बैंक बैलेंस या पद प्रतिष्ठा से नहीं मापा जा सकता। समृद्धि होने के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। मन की शांति तभी संभव है जब मन में लोभ नहीं है, मन में संग्रह करने की अभिलाषा नहीं है, अपने पास आए मान सम्मान धन संपदा को लेकर जब कोई अहंकार नहीं, बल्कि मन में यह भाव होता है कि ईश्वर ने हमें दूसरों की सेवा करने का निमित्त बनाया है, तो मन की शांति स्वतः ही बढ़ जाती है। लेकिन अगर मन में अकूत संपत्ति जमा करने का लोभ हो और उसे अहन पोषित होता हो, तो ऐसा अहन मन की शांति को नष्ट कर देता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज का पंचांग, दिन शुक्रवार 9 सितंबर 2022, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, शाम के 6:08 रहेगा। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो घनिष्ठा नक्षत्र सुबह के 11:35 रहेगा। उसके उपरांत शतभिषा नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्रमा नाम का शुभ योग शाम के 6:11 रहेगा। उसके उपरांत धृति नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। इसके उपरांत इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की। दोस्तों ध्यान रहे, आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह के 10:51 लेकर दोपहर के 12:24 तक। और दोस्तों चंद्रमा दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। मैं दोस्तों दिन अभिजीत मुहूर्त की बात करें दिन के सबसे महत्वपूर्ण समय की, तो यह समय रहेगा सुबह के 11:59 लेकर दोपहर के 12:48 तक। और सूर्य दिन सिंह राशि पर रहेगा। तो आइए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि ग्रहों की यह स्थिति आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालेगी, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही किन किन क्षेत्रों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। दोस्तों यह समय दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से प्रारंभ होगा। मित्रों या फिर सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अकेले ही कार्यों को उचित अंजाम यश में देने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अचानक कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है तथा व्यर्थ के कार्यों में भी कोई समस्याएं व्यतीत होगा। दोस्तों ध्यान रखें कि कभी कभी अति आत्मविश्वास तथा अहम आपके बनते कार्यों में भी रुकावट डाल सकता है, तो दोस्तों इनसे जरूर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों मौज मस्ती की तरफ अधिक ध्यान रहने की वजह से महत्वपूर्ण काम भी पीछे रह सकते हैं। दोस्तों काम संबंधित बातों में आपको अभी रस नहीं आएगा, फिर भी दोस्तों जिन कामों को डेडलाइन आ रही है उन काम की तरफ जो है अवश्य ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अधिक जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से मन में आपका तनाव बढ़ रहा है, जिससे आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलें सामने थोड़ी थोड़ी आ सकती है, परंतु दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास व फिर दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। दोस्तों धार्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली यश में बनाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि अनावश्यक खर्चों की स्थिति यश में बनी रहेगी। अपने बजट का भी आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता यश में रह सकती है। विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर संबंधी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अपने दायरे से बाहर निकलकर नए लोगों के साथ संपर्क जोड़ने की आप कोशिश करते रहें। दोस्तों आपको नए मित्र बनाने की अधिक आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों केवल खुद के ही विचारों पर रहकर आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलती रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में बता दें आपके करियर के लिए जो समय होंगे।
दोस्तों यशों में युवाओं को रोजगार के नए अवसरों भी अवसर भी मिलेंगे, जिससे दोस्तों अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। यशों में साझेदारी व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को यशों में पूरा करने में ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके करियर के लिए यशों में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों बता दें यशों में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है, इसलिए दोस्तों अभी निवेश ना करें और सावधानी बरतें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी भी व्यवसाय की यात्रा को अभी स्थगित ही रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी विदेश संबंधी कोई उपलब्धि भी यशमय हासिल हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि ग्लैमर या फिर कला सौंदर्य और प्रसाधन आदि से जुड़े जो भी व्यक्ति है उनके व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि भी हासिल होंगी, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र अवश्य रखें। यशमय दोस्तों विदेश संबंधी व्यवसाय में यशमय कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यशों में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों कार्य क्षेत्र में काम का दबदबा बना रहेगा और इनकी वजह से आपके ऊपर थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही इन समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में भी फायदेमंद स्थितियाँ बन रही है। नौकरी पेशा लोगों को भी पदोन्नति के उचित अवसर भी यशों में मिलने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, विवाहित संबंधों में गलतफहमियों को लेकर कुछ तकरार उत्पन्न हो सकती है। अपने रिश्तों के प्रति जो है ईमानदार रहें, व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरियां बनाकर ही रखें या फिर इनसे बच कर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे, प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। इस उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध तो उत्तम रहेंगे ही और आपका घर पर भी और व्यवसाय पर भी उचित सामंजस्य यश में बना रहेगा और इनसे दोस्तों आप परिस्थितियों को बेहतर दिशा में ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। इस उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि छोटी सी गलतफहमी भी पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न करेगी, परंतु आपसे सूझबूझ से समस्या हल भी हो जाएगा और दोस्तों उन्हें कोई अच्छा उपहार भी यश में देना ना भूलें, ये आपकी लव लाइफ के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी किसी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, शांत रहने का प्रयास करें तथा मेडिटेशन में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि एसिडिटी व फिर कब्ज जिससे शिकायत रह सकती है, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, परंतु दोस्तों सिर्फ अत्यधिक तनाव के कारणों से आपको अपना बचाव करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे और इनसे अपने स्वास्थ्य को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।